हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। सर, ट्रिपल MUT यानी कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इस साल कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको देना होगा CUET का एग्जाम। तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए आपको CUET का एग्जाम देना होगा, उसके लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या होगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और फ्यूचर में MUT के रिगार्डिंग या फिर CUET के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप CUET एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी खास आपके लिए लेके आया है CUET एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। आप इनका दोनों टेस्ट दे सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि अगर आप इनका स्कॉलरशिप का टेस्ट देते हैं तो इससे आपको मिल सकती है 100% तक की स्कॉलरशिप। और अगर आप इनका मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि CUET का जो एग्जाम है ये पहली बार हो रहा है, तो काफी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, ये सब कुछ अभी आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो जब आप इनका मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में CUET का एग्जाम किस तरह से रहने वाला है, उसका पूरा पैटर्न क्या रहने वाला है। एंड सेकेंड थिंग, एग्जाम को मॉक टेस्ट को देने के तुरंत बाद आप अपना यहाँ पे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड वीकनेस क्या है। तो यार, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आपको इनका स्कॉलरशिप का टेस्ट एंड मॉक टेस्ट दोनों ही जरूर देना चाहिए। और ये बिल्कुल ही फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। अब देना कैसे है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों के ही लिंक दे दिए हैं। वहां पे जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वहां पे आपको मेरा कूपन कोड डालना होगा कैंपस CAMPUS। जब आप इस कोड को डालेंगे तो ये जो आपका मॉक टेस्ट है एंड स्कॉलरशिप टेस्ट है ये बिल्कुल ही आपके लिए फ्री रहेगा। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं रहेगी और उसके बाद आप उसको टेस्ट को दे सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनका मॉक टेस्ट एंड स्कॉलरशिप का टेस्ट दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि MUT में कौन कौन से कोर्स के लिए आपको CUET का एग्जाम देना होगा। सर, यहाँ पे मैंने नोटिस को ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी फार्मा का कोर्स है, BBA है और BTEC सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री है और बी फार्मा सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री है। तो ये चार कोर्सेज हैं जहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको CUET का एग्जाम देना होगा। अब यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लो कि CUET का मेन एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। अगर आप एक बार उसको समझ गए तो वीडियो में आगे आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो यार, CUET का जो एग्जाम का पैटर्न है इसको टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। यहाँ पे सेक्शन 1A जो है ये लैंग्वेज का सेक्शन है, इसमें 13 लैंग्वेज हैं जिनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सेक्शन 1B जो है ये भी लैंग्वेज का सेक्शन है, इसमें 20 लैंग्वेज हैं, इनमें से भी कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे उस लैंग्वेज से यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लिया तो इंग्लिश से यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। और टाइमिंग क्या होगी, यहाँ पे 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, एक लैंग्वेज के सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद सेक्शन 2 आता है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ पे टोटल 27 सब्जेक्ट होंगे डोमेन वाले, यानी कि आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इस तरह के सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे। इनमें से भी कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उस सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 40 ही अटेम्प्ट करने हैं और टाइमिंग इसमें भी आपको 45 मिनट की ही मिलेगी। इसके बाद आखिरी सेक्शन आता है सेक्शन 3, जनरल टेस्ट। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 75 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 60 अटेम्प्ट करने होंगे और यहाँ पे अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये CUET का मेन एग्जाम का पैटर्न है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको एग्जाम में ये चारों सेक्शन अटेम्प्ट नहीं करने। फिर क्या अटेम्प्ट करना है, तो यार आपको जहां पे एडमिशन लेना है, जैसे इस वाली वीडियो हम बात करें MUT के बारे में, तो अगर आपको MUT में एडमिशन लेना है तो जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स के लिए जो एग्जाम बोला गया होगा आपको सिर्फ वो वाला एग्जाम देना है। ये सारे एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। अब कौन सा एग्जाम देना है वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो यार, CUET का मेन एग्जाम का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस कोर्स में अप्लाई करने के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे और इसके लिए कौन सा एग्जाम आपको देना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी फार्मा कोर्स की। तो अगर आपको बी फार्मा का कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि या तो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो
या आप क्लास 12 पास हो चुके हो और आपने अपने क्लास 12 में कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और जो बच्चे एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं उन्होंने कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और इसके साथ एक बात और बोली गई है कि आपने अपने क्लास 12 में इंग्लिश तो पढ़ा हो और इंग्लिश के साथ साथ या तो आपने पीसीएम लिया हो या आपने पीसीबी लिया हो या आपने पीसीएमबी लिया हो, इनमें से कोई भी एक कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, तो इसके लिए यार आपको फिजिक्स का एग्जाम देना है, केमिस्ट्री का एग्जाम देना है और इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स और बायो, इनमें से कोई भी एक एग्जाम आपको देना होगा। मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो दो देने ही है, इसके अलावा मैथमेटिक्स और बायो में से कोई एक आपको देना होगा। टोटल तीन सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एग्जाम देना होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीबीए कोर्स के बारे में। तो अगर आपको बीबीए के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए जरूरी ये है कि या तो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो या आप क्लास 12 पास हो चुके हो किसी भी स्ट्रीम से और आपने अपने क्लास 12 में कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपने कम से कम 50% मार्क्स स्कोर किया हो और आपने अपने क्लास 12 में इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो। अब आपको एग्जाम कौन सा देना है बीबीए के लिए, तो बीबीए के लिए आपको एक तो सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट आपको वो देना होगा और दूसरा आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना है। सेक्शन 1A में आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाएगी, वो आपको देना है, बाकी कोई और एग्जाम आपको देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीटेक सेकंड ईयर कोर्स के बारे में, लेटरल एंट्री वाला जो कोर्स होता है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इसके लिए बोला गया है कि आपने कम से कम 3 साल का डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग की फील्ड में या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को छोड़ के आपने किसी भी फील्ड में अगर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वहां पे जरूरी ये भी है कि आपने कम से कम 60% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपने कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। अगर आपको बी फार्मा में लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स किया हो और वहां पे आपने कम से कम 45% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और जो बच्चे एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो उन्होंने कम से कम 40% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। अब इसके लिए कौन सा एग्जाम देना है, तो यार इसके लिए आपको बी फार्मा के लिए आपको एक तो जनरल टेस्ट देना है और दूसरा आपको बायो या मैथ, इनमें से कोई भी एक एग्जाम देना होगा। मतलब आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, जनरल टेस्ट तो पक्का देना ही देना है, इसके अलावा बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं। और यहाँ पे बीटेक जो सेकंड ईयर लेटरल एंट्री वाला है इसके लिए कौन सा एग्जाम देना है, तो इसके लिए यार आपको एक तो जनरल टेस्ट देना ही देना है, मैथमेटिक्स भी देना ही है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इन दो में से एक चॉइस मिलेगी, इनमें से कोई एक एग्जाम आपको देना होगा। मतलब यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, मैथमेटिक्स जनरल टेस्ट तो कंफर्म देना ही देना है, सीएस कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, दो इन दोनों में से कोई एक एग्जाम आपको देना होगा। तो यार ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, मतलब जिस भी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो यार यहाँ पे जो सेक्शन 1A सेक्शन 1B है लैंग्वेज वाले सेक्शन, उसमें आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही सिलेबस वहां पे पूछा जाएगा। बाकी आपका जो डोमेन वाले है उसमें आपके जो क्लास 12th लेवल की एनसीईआरटी का सिलेबस है वो वहां पे पूछा जाएगा। और जो सेक्शन 3 आपका जनरल टेस्ट है इसमें आपका जीके होगा, करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स जिसमें आपकी क्लास 8 तक की मैथ होगी, अर्थमेटिक, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब, इसके अलावा आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आपका सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा। बाकी अगर आपको डोमेन वाले सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल में जानना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे आना होगा सीयूईटी की, यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा सिलेबस का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे आप इनका डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सभी कोर्सेज का सिलेबस दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस चेक करना है, अकाउंटेंसी सबसे पहले नंबर पे आ रहा है, इसके आगे लिखा है view/download PDF, इस पर क्लिक करके आप इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपको जिस कोर्स का चेक करना है उस पर क्लिक करके आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, किसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको सीयूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होगा, उसके थ्रू ही आपका मदन मोहन मालवीय में एडमिशन हो जाएगा। और सीयूईटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है और इसका फॉर्म कैसे फिल करना है इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख के आप अपना सीयूईटी वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यार सारी इन्फॉर्मेशन थी कि MMUT में किस किस कोर्स में आपका CUET के थ्रू एडमिशन होगा उसके बारे में। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।